अभी अभी हाल ही में मेरी लास्ट दो फिल्में चली नहीं है यार, लाल सिंह चड्ढा तो बहुत बड़ी फ्लॉप हुई, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वो भी नहीं चली। पर आपकी जो नहीं भी चलती ना वो भी इतना बिजनेस कर जाती है कि कईयों की हिट से ज्यादा होते भाई। चलो आमिर खान बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बुरा टाइम और अच्छा टाइम दोनों देखा है, और ऐसे ही आज हम इनके करियर को तीन स्टेजेस में देखेंगे। पहले स्टेज में हम इनकी सक्सेस के बारे में बात करेंगे, दूसरे स्टेज में हम इनके फॉल इनके फेलियर्स के बारे में बात करेंगे, और तीसरे स्टेज में हम इनके कमबैक के बारे में बात करेंगे। जैसे ही भाई साहब को बताना कि इनके फैशन में हमका थोड़ा डिफेक्ट लग रहा था, हमका फीलिंग आया कि हम उनका फैशन बिगाड़ दिया था, इसलिए हम जैसा का तैसा करेक्ट कर दिया। शुरू करते स्टेज नंबर वन, राइजिंग टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आमिर खान ने अपना पहला फिल्मी डेब्यू अपने चचा नासिर हुसैन की मूवी यादों की बारात में किया था, जहां पर वो एक चाइल्ड एक्टर नजर आए थे। मगर फ्रेंड्स, जब ये बॉलीवुड में अपना करियर बना रहे थे तो इन्हें बहुत सी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा था, जैसे कि इनको कोई अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे थे और डायरेक्टर इनके टैलेंट को वेस्ट कर रहे थे। मगर इन सब डिफिकल्टीज के बाद भी ये डटे रहे और एक सक्सेसफुल एक्टर बनने का ड्रीम नहीं छोड़ा, और छोटे छोटे रोल्स मूवीज में करके खुद को साबित कर रहे थे कि वो टैलेंटेड है, और पूरे दिल से ऑडिशन देते थे और एक अपॉर्चुनिटी एक चांस का वेट करते थे जो बॉलीवुड में इन्हें एक सुपरस्टार बना दे। और एक दिन 1988 में इनकी किस्मत खुली और इनको ये चांस मिल गया। इनको फिल्म क्यामत से क्यामत तक मिली, जिन्होंने इनके करियर को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट दिया, और ये इस मूवी में एक लीड एक्टर थे और इनके साथ हीरोइन जूही चावला थी, और ये रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, और इस मूवी ने आमिर खान को रातों रात सुपर स्टार बना दिया और बॉलीवुड में इनकी सक्सेस की शुरुआत हो गई। स्टेज नंबर टू, द फॉल। फ्रेंड्स, क्यामत मूवी की सक्सेस के बाद आमिर खान की लाइफ में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और वो प्रॉब्लम थी बैड चॉइस। फ्रेंड्स, इस मूवी के बाद इनकी मूवी एक के बाद एक फ्लॉप होना शुरू हो गई, जैसे कि इनकी मूवी लव जो 1989 में आई थी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, मगर ये मूवी फ्लॉप हो गई थी। और फ्रेंड्स, तुम मेरे हो मूवी जो 1919 में रिलीज हुई थी जिसमें आमिर खान एक लीड एक्टर में थे, ये मूवी भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर रही। और जवानी जिंदाबाद जो 1990 इसी साल रिलीज हुई थी एक कॉमेडी मूवी थी, ये भी फ्लॉप रही। और इसके बाद न्यूज वाले और ऑडियंस ने इनकी बैड चॉइस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, और इनके करियर ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ज्यादा बुरा मोड़ ले लिया था, और बिल्कुल 19 की तरह इनके साथ अभी हो रहा है। पीके और दंगल जैसी हिट मूवीज के बाद भी इनकी मूवीज फ्लॉप हो रही है। मगर फ्रेंड्स, लाल सिंह चड्ढा इनकी सारी मूवीज में से सबसे ज्यादा फ्लॉप मूवी थी। रिस्पॉन्स टू द ट्रोलर्स इन लाल सिंह चड्ढा स्टाइल, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव फिल्म एंड यू रिस्पॉन्स टू देम। भाई, लाल सिंह चड्ढा जो बहुत सिंपल आदमी है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से, तो मुझे उस बात का दुख है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है, तो मैं उस बात की इज्जत करूँगा, क्या कर सकता है लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखें। हमने बड़े मेहनत से फिल्म बनाई है, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, फिल्म में फिल्म जो बनती है वो सैकड़ों लोगों के मेहनत से बनती है। स्टेज नंबर थ्री, कम बैक। 19 के बाद जो इनका कम बैक हुआ, साला ऐसा कम बैक किसी एक्टर का नहीं हुआ था। जैसे कि 2001 में लगान मूवी आई जो सुपर डुपर हिट रही, और इस मूवी ने एकेडमी अवार्ड भी जीता था। और इसी साल 2001 में एक और मूवी आई दिल चाहता है, जिसने ऑडियंस का तो दिल ही चुरा लिया था। और फिर 2006 में रंग दे बसंती आमिर खान की ड्रामेटिक मूवी आई जो हिट रही, और फिर सिर्फ एक
साल के बाद 2007 में तारे जमीन पर आई, जिसने ऑडियंस को इमोशनल कर दिया। और फिर दो साल के बाद 2009 में थ्री इडियट्स राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन में बनी आमिर खान की सुपर डुपर मूवी। मगर फिर सॉरी मैं एक मूवी को भूल गया जो 2008 में आई थी, जिसका नाम था गजनी। थाना गजनी की तरह मैं भी बुलक्कर होता जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स इसके बाद 2011 में धोबी गार्ड, 2012 में तलाश, और फ्रेंड्स फिर 2014 में पीके और इंडिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी दंगल 2016 में। मगर इतनी ज्यादा हिट मूवीज देने के बाद भी अभी इनकी कुछ मूवीज फ्लॉप हो गई है, मगर फिर भी ये वापस से कम बैक करना चाहते हैं अपनी नई मूवी के साथ जो तारे जमीन का सीक्वल होगी। और इनके हिसाब से ये ऐसा कम बैक वापस से करेगी इस मूवी के बाद। और फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर बताना कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है और आप आमिर खान के फैन हो या नहीं।